देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इंडिया एट 75, यानी देश में आम जनता के साथ जुड़ाव महसूस कराने के लिए अमृत महोत्सव के तहत, अमृत काल के तहत सरकार कई तरह से नीतियां भी चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जनता के साथ, अब तक जो जुड़ाव महसूस नहीं होता था ऐसे आरोप लगते थे, उस जुड़ाव को समझने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। और हमने भी ये सीरीज़ इसीलिए शुरू की है ये जानने के लिए कि इस अमृतकाल में आज़ादी के जनप्रतिनिधि आखिर कैसा बदलाव महसूस कर रहे हैं, 75 सालों में भारत अब कहाँ पर पहुँच चुका है और आने वाले दिनों में भी भारत को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ जन की बात जनप्रतिनिधि के साथ में बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और पटना साहिब से सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं रविशंकर प्रसाद जी। किसी भी और परिचय के मोहताज नहीं है। रविशंकर जी, बेहद ही स्वागत है आपका हमारे खास सीरीज में। जैसा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, अमृत काल की, 75 सालों में, क्योंकि आपने तो अपने समय में भी अभी इतने उतार चढ़ाव भारत में देखे, राजनीति से लेकर तमाम हलकों में, आप इन 75 सालों में भारत को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि देश के अंदर आत्मविश्वास जगाना। 75 साल में जो हिंदुस्तान चला तो सबों ने कोशिश की, और मोदी जी ने 14 में 15 अगस्त को क्या कहा, जिन प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया मैं सबों का सम्मान करता हूं। आज जो तीन मूर्ति में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, अब वहां सारे प्रधानमंत्रियों मिल जगह है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरी पीड़ा क्या है, भारत को वो क्यों नहीं मिल पाया जो भारत जिसका हकदार था। तो अगर आप मुझसे पूछेंगी कि मोदी जी की अगुवाई का सबसे बड़ा परिणाम क्या है, अपने भारतीय होने पर गर्व करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लो। अब अभी आपके परिचय में सांसद के रूप में हम लोग क्या महसूस करते हैं, मोदी जी ने कहा विकास तभी स्थायी होगा जब तुम लोग जनता के विकास की प्रक्रिया से जुड़ोगे। मंत्री थे हम लोग तो हर वर्ष फील्ड में जाते थे, इंस्टीट्यूट में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, गरीबों के पास जाना, गांव में जाना, विकास कैसा चल रहा है। आज आप देखिए, वैक्सीन, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। कोरोना में भारत न पीपीटी किट बनाता था, न वेंटिलेटर बनाता था, न वैक्सीन बनाता था। भारत की अंदर की ताकत जगाया गया, देखिए एक साल में क्या हो गया। और मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, क्योंकि ये विभाग मैं हैंडल करता था, आपने भी टीका लगाया होगा, हम सबों ने लगाया। आपका टीका इस तारीख को कहाँ लगेगा, ये सूचना आपको कहाँ आती थी बताइए? मोबाइल पर। इतने बड़े देश में क्या गांव क्या शहर आपको ये खबर है कि आपका टीका इस तारीख को यहाँ लगेगा? तो अगर अंदर की ताकत जगाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक और विजन है, रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, सुधार करो, काम करो ताकि बदलाव हो। आज ऐसा क्या हुआ कि भारत स्टार्टअप में दुनिया में तीसरे चौथे स्थान में पहुंच गया कुछ वर्षों में। आईटी मंत्री के रूप में मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी काम देखता था। 14 में खाली 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, आज 270 मोबाइल फैक्ट्री आ गई। आपके नोएडा गेट नोएडा में 93 फैक्ट्री आ गई। भारत सबको पीछे छोड़ करके चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और मैं कोरोना काल में आपकी जानकारी के लिए PLI में एप्पल कंपनी की 14 फैक्ट्री उठाकर चाइना से ले आया। आज भारत में चिप बनने जा रहा है, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा सब ठीक है। 80 करोड़ गरीबों को खाना खिलाना, 5 किलो चावल या गेहूं या दाल, ये छोटी बात है क्या? 11 करोड़ किसानों को हर साल
1,00,000 करोड़ रुपया भेजना है बटन दबा करके 2,000 रुपया 3 महीने पर, ये छोटी बात है क्या? तो ये मैं आपसे बता रहा था कि इस तरह से देश में काम होता है। तो रविशंकर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने जो इतने काम गिना है 75 सालों में, ये 8 साल हटा दे तो क्या कमी रह गई थी, क्या ये काम नहीं होते थे? मैं एक काम अभी बता दूं, हाँ, जिसका मुझे बहुत संतोष है, देश के कानून मंत्री के रूप में 3 तलाक को निरस्त करने का बिल तो मैंने ही लाया, लाया ना, अभी तक क्यों नहीं आया? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और इसको मुझे 3 बार लाना पड़ा, याद है ना आपको, फिर राज्यसभा में बाकी कर करके हुआ ये। एक तरफ आज बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में राफेल उड़ा रही हैं कि नहीं उड़ा रही हैं, उड़ा रही हैं ना, एयरफोर्स के प्लेन उड़ा रही हैं कि नहीं उड़ा रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, आपके ऐसे लोग पूरे मीडिया में झंडा तिरंगा लहरा रहे हैं कि नहीं लहरा रहे हैं? 75 साल में जो सरकारें आईं उनमें मानसिकता में अब कुछ बदलाव आया है या जन भागीदारी में बदलाव आया है, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी नेता की आज के दिन में किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन गरीबी हटाओ, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, आप बोलिए, सबका नारा है, जितने भी थे आप, उसमें आम भारतीय कहां था? आम भारतीय की ताकत कैसे बढ़ेगी? आज देखिए, मैंने आईटी मंत्री के रूप में एक बहुत बड़े आंदोलन का बढ़ाया है, जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में भी दी, कॉमन सर्विस सेंटर। वो 80,000 था, मैं उसको 5.5 लाख ले गया हूँ। आज वो बेटियाँ चलाती हैं, वो पासपोर्ट बनाती हैं, डिजिटल पेमेंट करती हैं, लैंड रिकॉर्ड करती हैं, बाकी करती हैं, एक कंप्यूटर से शुरू किया, आज 20 कंप्यूटर हो गया है। और कई जगह मैं जाता हूँ तो कई हम लोग कोचिंग भी करते हैं सर, बच्चे पढ़ने लगे हैं। ये जो इनोवेशन है ना, हम कुछ करके दिखाना है, ये नहीं था पहले। और भारतीयों के बारे में आप एक बात जान लीजिए, भारतीयों को अवसर दीजिए तो वो करके दिखा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर जी, आप जिस राज्य से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, वहाँ तो आंदोलनों की एक तरीके से जननी के रूप में, भूमि के रूप में देखा जाता है, जेपी से लेकर आप लगातार एग्जाम्पल भी देते हैं उनके दौरान जो चीज़ें हुई, वो दौर भी देखा आपने और आज का दौर आप देख रहे हैं, इस दौरान जो बदलाव आपने देखा, जो बड़ा बदलाव आया, क्योंकि 75 सालों में हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आप कैसे देख रहे हैं विजन? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जेपी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं लोकनायक जयप्रकाश के चरणों में एक बहुत छोटे स्टूडेंट के रूप में सक्रिय रहा, जेल गया। जेपी क्या है? जेपी चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, जेपी चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। नेहरू जी उनको 1952 में ही डिप्टी पीएम बनाने के मूड में थे, कहा नहीं मैं समाज के बीच में काम करूंगा, सर्वोदय में चले गए। लेकिन जब लगा कि नहीं, देश में बहुत भ्रष्टाचार है, तो नौजवानों को लेकर उतर पड़े। और जेपी ने क्या सिखाया कि हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, आम भारतीयों के मानस और सोच पर विश्वास करिए, वो अच्छी और गलत के बीच में फर्क करना जानता है। तो आज देखिए, सोशल मीडिया भी है, और मेरे लिए आपको बताऊं, सबसे अच्छा लगता है कि जब मैं जाता हूं भारत के गांव में, बाकी में, अपने प्रदेश में, कहते हैं रवि अंकल हम गूगलिंग भी करते हैं, गांव में स्मार्टफोन है ना, हम सर्च इंजन भी चलाते हैं। आज देखिए, वीडियो ऑन डिमांड, और देखिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी ना, मोबाइल से पढ़ते थे ना, कोर्ट की सुनवाई नहीं रुकी ना, लगभग 2.5 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए, और बाकी लोगों को मैसेज देना, बाकी करना। तो ये देश में कभी को होता है ना, बिना हम नोटिस नहीं करते, लेकिन देश कैसे बदल जाता है, अच्छा लगता है। अंत में चलते चलते दो सवाल पूछूंगी, एक ये कि आज का जो नया भारत जिसकी बात हो रही है, अब नया भारत बन चुका है, न्यू इंडिया की बात हो रही है, उस नए भारत का जो अगर आप देखें मील का पत्थर या एक बात, वो आप क्या देखते हैं? देश की युवा नौजवान पीढ़ी पर विश्वास करो, समझिए,
आजकल के बच्चे भारत की परंपरा को नहीं पसंद करते हैं। जरा जाइए यूट्यूब पर और देखिए बच्चे भारत के प्राचीन इतिहास, विवेकानंद के संबोधन, बड़े बड़े संतों के संबोधन को कितने चाव से सुनते हैं। हमसे अधिक इन्फॉर्म रहते हैं और बाकी टेक्नोलॉजी में भी है। ये नया भारत बना है जो स्टार्टअप के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ये जो भारत का आजकल बच्चे किसानी में भी स्टार्टअप कर रहे हैं, अच्छा बीज क्या होगा, आजकल एजुकेशन में कर रहे हैं, मेडिसिन में कर रहे हैं, ये जो टोटल। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, रास्ता सही है और देश का आत्मविश्वास जगा है। और ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, देश के इस आत्मविश्वास को जगाने में हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अंत में चलते चलते रविशंकर जी, आजादी का जो अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, वो जन प्रतिनिधि के तौर पर उसमें आपकी क्या भागीदारी और भूमिका है, आप उसको कैसे मना रहे हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी जाता हूँ अपने इलाके में, जैसे कोरोना का टीका लगा तो हम लोग हर जगह टीका सेंटर पर जाया करते थे, कैसा चल रहा है। जन प्रतिनिधि का काम है कि विकास की योजनाएं नीचे में कैसी जा रही हैं, है ना, उससे जोड़ना, उसको एक्सपेडाइट करना, जहां कमजोरियां हैं उसको ठीक भी करना। लेकिन मेरी सोच बाकी लोगों से दूसरी है। जन प्रतिनिधि का काम आलोचना करना तो है, लेकिन जन प्रतिनिधि का काम यह भी है समाधान का सेतु भी बनना चाहिए, है ना। जनता ने हमें इसलिए चुना है ना, तो हमें समाधान का सेतु भी बनना चाहिए। बिल्कुल। और आज मैं आपसे कहता हूं, बहुत से अच्छे अफसर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और एक बड़ी बात जो हुई है इस देश में, जिसमें आप लोगों की भी भूमिका है, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संकल्प भी बना है, आप देख रही हैं। और देखिए, ये देश ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, अगर बहुत भ्रष्टाचार करोगे तो भैया लंबे नहीं चलोगे। हाँ, आज मैं किसी की आलोचना करने के नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमारे प्रदेश के बड़े बड़े लोकप्रिय नेता लोग पांच पांच घोटालों के केस में सजा पा गए कि नहीं पा गए, पाए ना, बाकी लोग पा रहे हैं। तो आज देश ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है। और मैं अंत में बहुत गर्व से कहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है, अवश्य है, कि बिचौलियों के दरवाजे बंद हैं, हाँ, सरकारी फैसलों में। तो ये एक नया भारत बन रहा है, 75 साल में इसका अभिनंदन करिए। तो बिल्कुल, नए भारत की जो मिसाल है उसमें अहम बात जो कि रविशंकर जी ने बताई कि एक तो बिचौलियापन जो था, जो बिचौलियों की सरकार एक तरीके से मानी जाती थी, चलती थी, वो अब बदलाव हो चुका है, जन भागीदारी बढ़ी है, जन प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है, और साथ ही भ्रष्टाचार उसकी तरफ अब कोई देखता भी है तो कम से कम जवाबदेही तय हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, इस तमाम जो आपने इतनी बातचीत की, और खासकर 75 सालों का जो भारत का बदलाव और विजन है उसको लेकर के डीडी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए शुक्रिया।